अब तक सरकार ने ना तो कोई स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए। मैंने सरकार को अपनी तरफ से कालिक अटेंशन दिया, सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई, मेरा कालिक फिर सलाउट कर दिया। लेकिन ज्यादा बारिश की वजह से ये फसलें बिल्कुल खत्म हो गई। अब तक सरकार ने ना तो कोई स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए और ना ही सरकार की तरफ से चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई ऐसा बयान अब तक आया है कि हम इसकी स्पेशल गिरदावरी कराएंगे, किसान को उसकी फसल का जो लागत था उस हिसाब से उसको मुआवजा देंगे ताकि वो आगे अपनी फसल अगली फसल की तैयारी कर सके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा स्टेट कृषि प्रधान है, यहाँ लोग खेती के व्यवसाय से ज़्यादा जुड़े हैं और उनको सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाए, ना ही विधानसभा में इस इशू के ऊपर मैंने सरकार को अपनी तरफ से कालिक अटेंशन दिया था। बड़ा सीरियस इशू था लेकिन मेरा कालिक डिस अलाउड कर दिया। उनको पता था कि मैं खुल करके किसान की बात करूँगा, खुल करके बताऊँगा कि किस तरह से किसानों की फसल बर्बाद हुई और सरकार को फिर कहीं ना कहीं अपना जवाब इस पर देना पड़ेगा। इसी तरह से बुजुर्गों की जो पेंशन का मामला है, आज चौधरी देवीलाल जी ने जो पेंशन बढ़ाई थी, बड़ी हैरानी की बात यह है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो ये कहते हैं, आपके माध्यम से मैंने उनका एक बयान सुना था, उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि चौधरी देवीलाल जी ने जो पेंशन बनाई थी तब भी उन्होंने इस किस्म की कैप उस पर लगाई थी कि कोई किसी की इनकम ज़्यादा हो तो उसको पेंशन नहीं दी जाएगी, लेकिन चौधरी देवीलाल ने कोई कैप नहीं लगाया। मुख्यमंत्री जी को कोई भी बात मीडिया में कहने से पहले उसके बारे में जानकारी जरूर लेनी चाहिए।